नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप सोने की खदान कह सकते हैं। दरअसल इस शख्स का शौक बहुत ही अजीबोगरीब है। ये शख्स हर समय 2 किलो की ज्वेलरी अपने शरीर पर पहना रहता है। वियतनाम के रहने वाले शख्स का नाम ट्रोन डक लुई है। इसका गोल्ड शौक जुनून की हद तक पहुंच चुका है। जब यह शख्स सड़कों पर चलता है तो लोग उसे देखते रह जाते हैं। वियतनाम के 39 साल के ट्रोन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। ट्रोन अपने अजीबोगरीब शौक से जुड़े वीडियो टिकटॉक पर डालते हैं। वे बताते हैं कि जब वे सड़क पर निकलते हैं तो लोग उन्हें ललचाई निगाह से देखते हैं। इस शख्स के पास कितना ज्यादा सोना है। ट्रोन एन नियांग नामक राज्य में रहते हैं। सोने के प्रति अथाह प्रेम की वजह से वे न सिर्फ वियतनाम में बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर चुके हैं। ट्रोन हमेशा 2 किलोग्राम सोना पहनकर अपने घर से बाहर निकलते हैं। बता दें कि ट्रोन दक्षिणी अमेरिकी छिपकलियों को बेचने का काम करते हैं। ये छिपकलियां काफी महंगी बिकती हैं। ट्रोन का कहना है कि उनको बिजनेस में जितनी कामयाबी हासिल हुई है उसकी वजह सोना ही है। वे सोने को अपने लिए काफी लकी मानते हैं, इसी वजह से वे हमेशा सोने के गहने पहन कर रखते हैं। वहीं ट्रोन का कहना है कि वह छोटे गहने इसलिए नहीं पहनते कि वे आसानी से टूट सकते हैं, जबकि मोटी ज्वेलरी के गहने आसानी से नहीं टूटते और काफी दिनों तक चलते रहते हैं। ट्रोन के गले में तकरीबन 250 ग्राम का नेकलेस रहता है, यह ड्रैगन शेप का है। वहीं उनके हाथों में 10 सोने की अंगूठी, एक मोटा ब्रेसलेट और एक गोल्ड प्लेटेड घड़ी होती है। वहीं उनके पास गोल्ड प्लेटेड कार और बाइक भी है। गाड़ियों पर सोने का पानी चढ़वाने में उन्हें बहुत ज्यादा खर्च आया है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।